दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप एयरटेल वगैरह आइडिया वगैरह वोडाफोन कोई भी सिम यूज करते हैं जियो वगैरह का और ऊपर की साइड आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक वोल्टी का आइकन देखने को मिलता है। आपके जो नेटवर्क नजर आते हैं इसके बगल में 4G लिखा हुआ है और इसके बगल में वोल्टी लिखा हुआ है दोनों सिम पे। तो अगर आपके फोन में यहाँ पे वोल्टी एनेबल नहीं हो रहा है यानी कि यहाँ पे आपको वोल्टी का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, आप सेटिंग में जा रहे हैं वहाँ पर से भी आप वोल्टी को एनेबल नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसी का प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन में वोल्टी के फीचर को किस तरह से एनेबल कर सकते हैं और इस तरह से नेटवर्क के बगल में अपने आइकन को वापस ला सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वोल्टी को किस तरह से एनेबल किया जाता है तो आज के इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपने फोन के डायलर को ओपन कर लेना है। डायलर को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे कोड को टाइप करना होगा। कोड यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, *H*H*4636#, और जैसे आप *H* अगेन दबाएंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं दबा के देखता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फोन में कोड वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी और ब्रांड का फोन यूज करते हैं तो जैसे आप इस कोड को यहाँ पे एंटर करेंगे आपके सामने वो सेटिंग ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप रेडमी वगैरह का फोन यूज करते हैं तो आपके फोन में कोड वर्क नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। अगर आपके डायलर पैड से आप उसमें एक्सेस कर पा रहे हैं तो आप डायलर पैड से आ सकते हैं। लेकिन अगर आप रेडमी वगैरह का फोन यूज करते हैं और आपके डायलर पैड में कोड वर्क नहीं कर रहा है तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद अबाउट में जाना है, अबाउट में जाने के बाद ऑल स्पेसेज में जाना है और स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको 3 से 5 बार टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टिंग के नाम से एक सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाती है। इसी तरह से अगर आप डायलर पैड में डायल करेंगे और आपके फ़ोन में वो कोड वर्क करता है तो भी आप इसी पेज पर आने वाले हैं। इस पर आने के बाद अब आपको अपनी वो सिम सिलेक्ट कर लेना जिसमें आप वोल्टी को इनेबल करना चाहते हैं। तो वर्ल्ड सिम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिम को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको सेट परफेक्ट नेटवर्क टाइप का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर टैप करेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे देख लेना है क्या चीज़ आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ, इसी को आपको सिलेक्ट करना है LTE TD ACDMA और UMTS, इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। बस दोस्तों आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ से बैक ले लेना है और जैसे आप यहाँ से बैक लेंगे तो ऊपर की साइड आप देखेंगे कि आपके नेटवर्क आइकन के बगल में जो वोल्टी का ऑप्शन शो नहीं हो रहा था वो अब यहाँ पे होने लगेगा। इसी तरह से दोनों सिम की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं और अपने फोन में वोल्टी के ऑप्शन को वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।